जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या हैं, हमें किस तरह हासिल होते हैं। पहले इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पॉली अनसैचुरेटेड, मैंने अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में बताया था, जिस जो टाइप से अनसैचुरेटेड फैट्स की वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिनमें आ जाते हैं जो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसके अंदर आ जाता है जैसे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है, कैनोला है, सीजन्स कैनोला ऑयल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, उसके अलावा सोयाबीन का ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉर्न्स है, सिट्टे हैं लोग सर्दियों में गर्मियों में खाए जाते हैं सिट्टे, वो है अनसैचुरेटेड फैट्स, बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा अखरोट है, एक्सक्यूज मी, अखरोट है, उसके अलावा हेजलनट है और फिश है जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाती है। इसमें कुछ चीजें जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में है और कुछ चीजें जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं ये चीजें। अच्छा, ये जो है अनसैचुरेटेड फैट जो है ये सबसे ज्यादा अच्छी फैट होती है और हमें अपनी डाइट में ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ये अनसैचुरेटेड फैट खाएं, जो कि जिसकी दो टाइप्स है, मोनो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अच्छा, उसी में ही एक और फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंदर ही एक और फैट है जो हम हासिल कर सकते हैं फूड से, फूड सोर्स से ही हासिल कर सकते हैं उस फैट को, और इसके अलावा इसको हासिल करने का कोई तरीका नहीं है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 3 फैट्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट नहीं है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट में है जिसमें कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं, मैंने आपको पहले अपने वीडियो में दिखाया था, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो फिश के अंदर, सबसे पहले तो फिश के अंदर पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैट जो है फैटी एसिड, ये फिश के अंदर है, इसलिए कहते हैं कि फिश खाएं, फिश ऑयल कैप्सूल्स जो होते हैं वो खाएं आप हफ्ते में 2, आपने जरूर फिश ऑयल कैप्सूल आपने खाने हैं 2, और उसके अलावा फिश खाएं हफ्ते में 2 या 3 बार, ये रिकमेंड किया जाता है कि पर्सन शुड टेक 2 or 3 टाइम्स फिश पर वीक, और ये रिकमेंड किया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कि वो 2 to 3 टाइम्स पर वीक फिश जो है वो इनटेक करें। अच्छा, इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि फिश के अलावा हम खा सकते हैं, हमें मुख्तलिफ सोर्स से अवेलेबल हैं, उनमें क्या कौन कौन से वो सोर्सेस हैं, उनमें आ जाता है, एक तो है जी फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ये जो आपने अलसी के, फ्लैक्स सीड्स का मतलब है अलसी के बीज, ठीक है, अलसी के बीज आप मार्केट में पैकेट्स में मिल जाते हैं अलसी के बीज के नाम से, अलसी का बीज जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं, वो आप खाएं, दूध में डाल के खा लें, सुबह दलिया बना के खा लें, वो ऐसे ही खाते हैं, उसको पकाते नहीं हैं अलसी के बीजों को, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अलसी के बीज में, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा है वॉलनट्स, अखरोट, और है हेजलनट, अखरोट की तरह का ही एक नट होता है ये जो ड्राई फ्रूट्स में आता है हेजलनट, पता कर लें आप ड्राई फ्रूट शॉप से, हेजलनट और अखरोट वॉलनट्स, ये दोनों हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आप वो ड्राई फ्रूट्स खाएं। लोग जो हैं वो सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट्स खाने को सोचते हैं कि हमने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, गर्मियों में नहीं खाते, जबकि गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खाना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने लेने हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट्स गर्मियों में नहीं खाएंगे तो आपको समझ लें कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेगा, ना आप फिश खा रहे हैं ना आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे किस तरह आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, वो क्या क्या तरीका हो सकता है, वो यही तरीका है कि आप ड्राई फ्रूट्स खा लें,
अगर फिश, क्योंकि ये जो अप्रैल से मार्च तक, जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त और सितंबर में, हाँ जून मार्च अप्रैल तक तो आप खा सकते हैं फिश, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, इसमें मई जून जुलाई ये 4 महीने हम नहीं खाते हैं फिश, ठीक है। तो इन 4 महीनों में जब हम फिश नहीं खाते तो हमें चाहिए, अगर हम फिश नहीं खा रहे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से आएंगे, तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। थोड़ी सी क्वांटिटी में रोज खा लिया करें, वो ही काफी होता है जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड को हासिल करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये रिकमेंड किया है कि अगर आप 8 to 10% पर्सन शुड गेट 8 to 10% कैलोरीज इन अ डे फ्रॉम पॉली अनसेचुरेटेड फैट, 8 to 10%, एंड इफ इट एक्सीड्स टू 15% देन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द हेल्थ, फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। तो अगर 15% तक चला जाता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स से जो हम खाते हैं, और 15% तक हम इससे कैलोरीज ले लेते हैं, इतनी खाएं 15% तक हम कैलोरीज इसी से ले लें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो ड्राई फ्रूट्स खाएं, जिस जमाने में आप फिश नहीं खाते उस जमाने में आप ड्राई फ्रूट्स को जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स को आप वो ना करें, खत्म हो गए ड्राई फ्रूट्स, आप खरीद के ले आए ड्राई फ्रूट्स और वो आप इस्तेमाल करें अपने डाइट में। अच्छा, उसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि फाइंडिंग फूड विद हेल्दी फैट्स, फाइंडिंग फूड विद हेल्दी फैट्स, कौन से ऐसे फूड हैं जिसके साथ हेल्दी फैट मौजूद है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे खाने हैं, कौन सी ऐसी चीजें हम खाएं जिसके साथ, जिसमें हेल्दी फैट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं? वो है, सबसे पहले तो देखें ये जो चिकन है, चिकन के अंदर भी थोड़ी बहुत सैचुरेटेड फैट मौजूद है। चिकन खा भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी चिकन खाते हैं क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर से स्किन उतार दें चिकन की, तो उसकी जो सैचुरेटेड फैट है उसकी जो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, चिकन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक तो चिकन में है, उसके अलावा है नट्स में सैचुरेटेड फैट जो है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में होता है सैचुरेटेड फैट्स, ये जो जितने ड्राई फ्रूट्स हैं और चिकन, तो इनमें ड्राई फ्रूट्स आप खाएं सैचुरेटेड फैट आपको बहुत कम मिलेगी, नुकसानदेह नहीं है। चिकन खाएं लेकिन बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इससे चिकन और नट्स जो हैं ड्राई फ्रूट्स ये नुकसानदेह नहीं है, अगर आप रोज भी खा लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करते। एज कंपेयर टू बीफ, एज कंपेयर टू पोर्क, बेकन मीन्स पिग मीट, पिग का जो गोश्त होता है उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, आइसक्रीम में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, क्रीम फुर क्रीम मिल्क जो है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, इससे फुल क्रीम मिल्क आप मत खाएं, आइसक्रीम मत खाएं, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ चीज ऐसी हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कुछ चीज को भी आप खरीदें तो चीज में भी आप देख लें कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी जिसमें कम लो फैट का उसके अंदर कंटेंट हो, वो वाली आप चीज खरीदें। जैसे कि मोजरेला चीज है वो उसमें लो फैट है, मोजरेला, फीटा चीज, एंड नंबर 3 है इटालियन रिकोटा, इट्स अ गुड चीज, लो फैट कंटेंट, एंड फीटा हो गया, इटालियन रिकोटा है एंड मोजरेला। और भी चीज है, अगर आपको ये चीज नजर आती है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी, इसमें लो फैट है। अच्छा, जो ज्यादा फैट वाली है वो एक है शेडर चीज, जो कि आपने बहुत देखा होगा अवेलेबल है शेडर के नाम से, शेडर चीज है, शेडर चीज को अवॉइड करें आप, लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि शेडर चीज, मैं भी खाया करती थी शेडर चीज,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि शेडर चीज के अंदर इतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट है। तो शेडर चीज को आप अवॉइड करें, शेडर चीज आपने नहीं खानी। हाँ, अगर आप कमजोर हैं, कोई ऐसे पेशेंट है जिसको कमजोरी वगैरह है, तो वो आप उसको दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग सैचुरेटेड शेडर चीज आप दे दें। शेडर चीज नुकसान में हाई फैट है। उसके अलावा उसके अलावा एक और है हेलोमी के नाम से, एक है शेडर चीज, वो एक चीज है हेलोमी के नाम से है, और परमेसन है, और मैंने आपको चीज की मेरी एक और वीडियो थी उसमें सारे मैंने ड्रिल बताई थी, उनके नाम बताए थे। कॉटेज चीज बहुत अच्छी है, कॉटेज चीज के अंदर लो होती है, शेडर के अंदर से ज्यादा है सैचुरेटेड फैट, लेकिन जो कॉटेज चीज है उसके अंदर बहुत कम सैचुरेटेड फैट है। तो आप कॉटेज चीज इस्तेमाल करें, और जब मार्केट में जाएं तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि मैंने कौन सी चीज खरीदनी है। ABCD से स्टार्ट कर लें, आपको खुद याद आ जाएगा कि मैंने कौन सी चीज खरीदनी चाहिए जिसके अंदर लो फैट है, जो हार्ट के लिए अच्छी है। जो अगर जो लो फैट होगा वही हार्ट के लिए अच्छा होगा, जो हाई फैट होगा वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये बात जहन में रखें, लो फैट इज गुड फॉर द हेल्थ फॉर द हार्ट, एंड हाई फैट फूड इज डेंजरस फॉर हार्ट। अच्छा, अभी जो हाई सैचुरेटेड, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट क्वांटिटी इज मच, फूड इज बीफ, पोर्क और बेकन, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और एग्स, ठीक है, अंडों के अंदर कुछ एग भी हैं। अंडे भी बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट होता है। आप दिन में अगर चले एक दिन बीच आप अंडा खाएं वो सबसे अच्छा है सेहत के लिए। बच्चों को चाहे रोज खिला लें, लेकिन खुद आप एक दिन या 2 दिन के गैप से एक अंडा खाएं। और एक्सक्यूज मी, अच्छा, सैचुरेटेड फैट, ये तो एनिमल फूड्स। इसके अलावा जो प्लांट्स में सैचुरेटेड फैट हमें अवेलेबल है प्लांट फूड सोर्स से, वो एक है पाम ऑयल है, ठीक है, और कोकोनट है, पूरा कोकोनट और कोकोनट ऑयल। इसमें सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कोकोनट, कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरा, नारियल, नारियल का तेल और पाम ऑयल, खजूर का तेल, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए नारियल भी आप ज्यादा मत खाएं, कोकोनट ऑयल भी खानों में इस्तेमाल मत करें, और खजूर का जो तेल होता है, खजूर की गुठली का तेल यानी कि पाम ऑयल, वो भी खानों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका इतना फायदा, इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि पाम ऑयल जो है वो 50% उसके अंदर सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है। पाम ऑयल के अंदर 50% है सैचुरेटेड फैट, तो वो, लेकिन वो इतना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि अगर खजूर फायदेमंद है तो खजूर की गुठली भी फायदेमंद है, उसका ऑयल भी फायदेमंद है हार्ट के लिए। अच्छा, ये तो हो गई। इसके बाद मैं कंक्लूड ये करूंगी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में जो योगर्ट है और चीज है, योगर्ट एंड चीज एंड लो फैट मिल्क, जो कम चिकनाई जिसके अंदर मिलाइयां नहीं है, वो मिल्क आप इस्तेमाल करें दूध में, चीज आप इस्तेमाल करें जिसपे लो फैट हो, और योगर्ट। ये तीन ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खा सकते हैं, और ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, और ये रिकमेंड की जाती है कि ये आप इस्तेमाल करें अपने हार्ट को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई, क्योंकि हार्ट की हेल्थ का सैचुरेटेड फैट से बहुत गहरा ताल्लुक है। सैचुरेटेड, हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट कॉजेज हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सैचुरेटेड फैट से आप बिल्कुल अवॉइड करें, सैचुरेटेड फैट को आप कम से कम अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। अच्छा, यूरोपियन, लास्ट जो एक बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हाईलाइट किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जितना आप इससे हाईलाइट किया है, जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने हाईलाइटेड दी इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट विद
रिड्यूस और लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो बिकॉज द फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैज मच सैचुरेटेड फैट, सो वी शुड अवॉइड द फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड इन ऑर्डर टू सेव आवर हार्ट एंड ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हार्ट डिजीजेज। सो वी शुड कंसेंट्रेट, वी शुड ईट लो फैट और नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। लो फैट और नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली लो फैट और डेयरी प्रोडक्ट, लो आपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं वो तो या तो लो फैट होना चाहिए या बिल्कुल ही उसके अंदर फैट ना हो। फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फैट, जितना ज्यादा आप फैट खाएंगे वही आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है। तो ये आज का मेरा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं इसके आगे आप कंटिन्यू करूंगी। अनसैचुरेटेड फैट्स मेरा एक और वीडियो तक में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैट्स, और उसके बाद फिर हम आगे जो है वो जो और टाइप्स जो फैट की रह गई हैं, जो फैट की तो हो गई है टाइप्स, उसके आगे में हम कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये वीडियोस जो हैं बना रही हूँ उसके लिए आप मेरे लिए दुआ करें, और ये काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं। इसमें डाटा जो है कलेक्ट करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, और तो इसके लिए मेरा साथ दें और दुआओं में याद रखें। जिस नेकी कर दरिया में डाल, आप मेरा हेल्प करेंगे, अल्लाह आपको आपकी हेल्प करेगा। मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि अप्रिसिएशन से ही इंसान की हौसला अफजाई होती है और वो मजीद आगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान के लिए, हम सबके लिए सुकून इंशाल्लाह अल्लाह कायम करे, हम सबको जहनी सुकून दे, लंबी उम्र दे, हम लोगों की जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह दूर कर दे, और हम लोगों को लंबी सेहत के साथ, हमें हमारी औलादों से सुकून हासिल हो, हमारी औलाद हमें तकलीफ का बायस ना बने, क्योंकि औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अल्लाह औलाद का दुख किसी को भी ना दे, इसलिए औलाद की अच्छे होने की और अच्छी औलाद के लिए दुआ मांगा करें, और अपने लिए भी दुआ मांगे, अपने और अपने वालदेन के लिए भी दुआ मांगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।